बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक वाहन चालक की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। घर से कुछ ही दूरी पर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। आरोप है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। उधर गांव वालों ने बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गांव वालों ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वही मौके पर पहुंचकर एसपी सिटी ने परिजनों से बात कर घटना की जानकारी ले रहे हैं। दरअसल मामला इज्जतनगर की एक कॉलोनी का है। यहां एक 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया। जैसे ही लोगों को मासूम से दुष्कर्म की खबर मिली तो लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों ने नैनीताल हाईवे भी पूरी तरह से जाम कर दिया है। वहां से गुजरने वाले वाहनों को भी रोका जा रहा है। जो लोग हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में अब इतना आक्रोश फैल गया है कि लोग सड़क से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नैनीताल हाईवे पर दोनों ओर से भीषण जाम लगता जा रहा है। जाम और प्रदर्शन की खबर सुनते ही पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से जाम खोलने के लिए अपील की, मगर लोगों ने अपनी मांग को आगे बढ़ा दिया। अभी भी लोग हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर पुलिस के आला अफसर मौजूद है। उधर दूसरी ओर बच्ची का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा है। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक 7 वर्षीय बालिका अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी और समय पर वापस न आने पर घर वालों के द्वारा उसको ढूंढा जाने लगा। तो एक दुकान वाले के द्वारा उस जो बालिका है वो उसको ढूंढा गया तो दुकान के बाहर ही वो रोती अवस्था में मिली थी। घर वालों के द्वारा इसमें दुष्कर्म की आशंका जताते हुए तहरीर दी गई, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल ही मुकदमा धारा 376 EB और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। जो बालिका है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया, उसका मेडिकल परीक्षण चल रहा है। मेरे द्वारा बालिका से जो बातचीत की गई है उसके आधार पे उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुराग बताए गए हैं और आस पड़ोस के रहने वाले ही किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है। 5 टीमें पुलिस द्वारा यहाँ पे लगी हुई हैं और उसमें CCTV फुटेज देखा जा रहा है और जल्दी इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो कुछ लोगों के द्वारा इसमें ये भी बताया जा रहा है कि मौके पे जाम लगा था, तो पुलिस के द्वारा मौके पे जल्द वहाँ पे पहुंचकर जो लोग थे उनको समझा बुझाकर जो उनको डिस्पर्स कर लिया गया था और मौके पे ऐसी वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है। क्या मामला था और रोड जाम भी क्या था, क्या मांगते थे, कैसे ये जाम खुलवाया गया? थाना इज्जत नगर क्षेत्र में एक सूचना मिली, सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि एक जो बच्ची हैं वो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए गई थी। बच्ची कुछ देर बाद वापस नहीं आई तो घर वालों ने उन्हें खोजते हुए पहुंचा तो बच्ची एक जगह पर रोती हुई पाई गई। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और जिसमें पता लगा है कि बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म जैसी घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। घर वालों के द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई। घर वालों के द्वारा जैसे ही तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर जो सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत हम मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। अभी जो है पुलिस की जो इसमें 4 टीमें लगा दी गई, सभी टीमें जो है अलग अलग जगहों पर जो CCTV फुटेज है उसको देखा जा रहा है। बच्ची से भी पूछताछ की जा रही है, बच्ची जो भी कुछ लीड देगी उसके आधार पर और जो CCTV फुटेज जो हम देख रहे हैं और आसपास के लोगों से भी जानकारी की जा रही है, जो जानकारी हासिल होगी और जो मुकदमा सुसंगत धारा में लिखा जाएगा उसके आधार पर इस पर हम लोग तुरंत जो भी विधि कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे और जो भी इसमें व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार करके मैक्सिमम इसमें हम लोग जो भी कार्रवाई होगी करवाएंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगेगा, रेप को है बच्ची के साथ जो अभी ये मेडिकल रिपोर्ट जो आ जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।